Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Learning Menu. So students, today we are going to read a chapter, The Enemy, written by Pearl S. Park, given in 12th NCERT book, Flamingo. Let's know about the Poe writer first. Pearl Siddons Tikalpa, born in June 26, 1892. She is also known by her Chinese name, Sai Zungzu, was an American writer and novelist. As a daughter of missionaries, Buck spent most of her time before 1934 in Zhangjiang, China. Her novel, The Good Earth, was a best-selling fiction book in the United States in 1931. In 1938, she was awarded the Nobel Prize in Literature for her rich and truly epic descriptions of peasant life of China, and for her biographical masterpieces. She was the first American woman to win the Nobel Prize. Ye tha writer ke bare mein, aur being female, she has shown some, you know, some kind of feelings and emotions which are there inside a woman. Aur ye jo chapter hai, Enemy, इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ राइटर ने क्या दिखाया है. थीम में अगर एनिमी की बात करें हम, गिव्स अ मैसेज दैट ह्यूमैनिज्म ट्रांसेंड्स ऑल मैनमेड प्रेजुडाइसेस एंड बैरियर्स. ये जो नैरो नेशनलिज्म वगैरह है, इट शुड बी अबव. ये मतलब हम लोगों के लिए, हम जनरल लोग जो हम वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, गवर्नमेंट्स वॉर में इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो अपने नैरो नेशनलिज्म को, दे कीप ऑल दोज थिंग्स अबव ह्यूमन वैल्यूज. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. ह्यूमैनिज्म शुड बी द फोरमोस्ट, यू नो, वैल्यू विच वी शुड ऑल फॉलो. और ये मैन मेड हैं, ये प्रेजुडाइसेस हैं, ये बैरियर्स हैं, ये बाउंड्रीज हैं, ये सब मैन मेड हैं. लेकिन ह्यूमैनिज्म, इंसानियत हमें इन सबसे ऊपर उठकर इंसान बनाती है, जैसा कि हमें दुनिया में भेजा जाता है भगवान के द्वारा. There are moments in life when we have to make hard choices between our roles as private individuals and as citizens with a sense of national loyalty. The story is a great lesson of peace, love, sympathy, fellow feeling and humanism. बहुत बार आपने देखा होगा, ये जो story है, ये एक war narrative है. यह हम कह सकते हैं anti-war writing है, कि war जब होती है दो countries के बीच में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो होता, harmful जो वो होती है, वो होती है वहाँ के citizens के लिए, जिनका शायद इन सब war वगैरह से कोई लेना देना नहीं है. और कई बार हम ऐसे dilemma में, ऐसे दुविधा में फंस जाते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता कि हम अपने देश को प्रायोरिटी दें या बींग इंडिविजुअल हम ह्यूमैनिटी को फर्क. चैप्टर का स्केच ले लेते हैं. दिस लेसन इज सेट एट द टाइम ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर. इट इज अ हार्ट रेंडरिंग पोर्ट्रेयल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंस हेड एंड एन अमेरिकन सेलर इज वॉज अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोरस्टेप ऑफ अ वेरी एमिनेंट सर्जन एंड साइंटिस्ट, डॉक्टर सदाओ हॉकिन. सदाओ इज टॉर्न बिटवीन हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर एंड एज अ जज. हिज हार्ट इज टेलिंग हिम टू सेव द प्रिजनर व्हाइल हिज माइंड इज फाइटिंग टू टर्न हिम ओवर टू. It is a difficult choice to decide whether one should allow oneself to be governed by the emotions or by the reasons. और डॉक्टर्स को तो वो दिलवाई जाती है कि उन्हें सबसे पहले उन बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, रेस, जेंडर, कलर, कास्ट, रीजन, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठ के उन्होंने, उनका सबसे पहले foremost ड्यूटी है टू सेव देयर पेशेंट. तो यहाँ जो प्रोटोगोनिस्ट है डॉक्टर सदाओ हॉकिन, वो भी एक ऐसे डिलेमा में है जो अभी समझ नहीं पा रहा है कि क्या उसे अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटी देनी चाहिए या बीइंग डॉक्टर, बीइंग ह्यूमन, इन सब चीजों से ऊपर उठकर उसको एक ऐसे प्रिजनर, एक ऐसे इंसान की मदद करनी चाहिए, एक ऐसे सोल्जर का ट्रीटमेंट करना चाहिए जो कि अमेरिकन है और उसको समुद्र के द्वारा लहरों के द्वारा फेंक दिया गया. Next is the appropriateness of the title. The Enemy is an apt title for the story that has Second World War as the background. अब जैसे पता चला कि Second World War के during की ये बात है, तो obviously बात है enemies की बात तो होगी. During those days, one enemy was, you know, against the another one. कुछ गुट बन गए थे, कुछ groups बन गए थे, और एक group में कुछ देश थे,
दूसरे ग्रुप में कुछ और देश थे, जैसे और उन दिनों हिटलर का भी आपने सुना होगा, जापान का भी, और सबसे ज्यादा नुकसान जापान को ही हुआ था जब द एटम बम वॉज थ्रोन बाय अमेरिकन्स ऑन टू ऑफ द सिटीज ऑफ जापान. तो सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं को हुआ था उस टाइम. द पॉलिटिकल सिचुएशन दैट टाइम हैड मेड अमेरिका एंड जापान सोन एनिमीज, कट्टर दुश्मन बन गए थे. द राइटर वीव्स एपिसोड्स टू सेट द रीडर थिंकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमी पेट्रियोटिज्म एंड द वैलिडिटी ऑफ. यहाँ एक क्वेश्चन भी खड़ा हो जाता है कि क्या हमें इतना देशभक्त हो जाना चाहिए कि वो इंसानियत से ऊपर हो जाए, और क्या हमें हर एक इंसान को अपना दुश्मन समझना चाहिए. वी ऑल आर ह्यूमन. Although the doctor treats the American sailor as a patient, still neither he nor his wife consider him to be their friend. Treatment कर देते हैं, उसे ठीक कर देते हैं, लेकिन फिर भी सदाओ और उसकी वाइफ उसको अपना दोस्त नहीं समझते. So the author succeeds in his efforts in forcing the readers to re-describe an enemy. इसलिए author ने यहाँ पर वो जो अपने efforts डाले हैं कि readers इस chapter को read करने के बाद उनका जो एक हमारे जो दिमाग में definition बन गई है enemy की, उसको जरा रीडिस्क्राइब करें, चेंज करें उसके अंदर. लुक एट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. डॉक्टर सदाओ हॉकी द जापानीज डॉक्टर ट्रेन्ड बाय अमेरिकन्स इन अमेरिका, ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर. उसके फादर है, ही वाज मच कंसर्न्ड अबाउट हिज सन्स एजुकेशन, अ ट्रू पेट्रियट, अ ट्रू जापानीज थे वो, है ना. वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ मेट इन अमेरिका, बिकम्स फ्रेंड एंड गॉट मैरिड इन जापान इटसेल्फ. एन अमेरिकन प्रिजन ऑफ वॉर टॉम, अ सोल्जर ऑफ यूएस नेवी, हु वाज सेव्ड बाय Dr. Sadao Haki later on. The old general, a sick Japanese army general, leading an operation, trusted only Dr. Sadao. An officer who is a messenger of the general, who just came over there to call Sadao Haki, that our general is in need of him. Gardner hai, Yumi hai, ye dono unke ghar ke servant hai, Sadao ke ghar ke. Sadao एजुकेशन, यहाँ अब हम पढ़ेंगे सदाओ की एजुकेशन. सदाओ की एजुकेशन हिज फादर्स मेन कंसर्न, जो उसकी एजुकेशन थी वो उसके पिता का सबसे चीफ कंसर्न था. सदाओ का घर जो था, इट वाज बिल्ट ऑन द जापानीज कोस्ट. सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. फॉर दिस ही हैड सेंट हिम टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन. हायर स्टडीज के लिए उसको अमेरिका भेजा गया था जापान से, ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन के बारे में से डॉक्टरेट करके आए. बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम अ फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट. और इससे पहले कि उसके फादर की डेथ होती, उन्होंने अपनी आंखों से सदाओ को एक बहुत बड़ा सर्जन और साइंटिस्ट बनते हुए देख लिया था. और अब आरी आती है सदाओ की हना के साथ शादी. सदाओ हैड मेट हना इन अमेरिका एट प्रोफेसर हाउस. He did not fall in love with her until he was sure that he was Japanese. His father would have never accepted her unless she had been pure in race. They came home to Japan. Their marriage had been arranged in the old Japanese tradition. Pata tha Sadao ko ki uske father kabhi bhi, kyunki wo itni kattar Japanese the, wo kisi aur caste mein ya रेस में अपने बेटे की शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. हालांकि सदाओ को पसंद आ गई थी हना एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर, जहाँ पर वो लोग अक्सर जाया करते थे. ऑल्दो उन्हें पसंद नहीं था उस जगह पर जाना, क्योंकि जो प्रोफेसर का घर बहुत छोटा था, खाना बहुत खराब होता था, और उनकी वाइफ बहुत वॉल्यूबल थी, बहुत ऊंचा ऊंचा बोलती थी स्टिल. और उस दिन भी सदाओ नहीं जाना चाहता था प्रोफेसर के घर, जिस दिन हना एज अ न्यू स्टूडेंट वहां पर आई थी. बट समहाउ ही वेंट एंड ही मेट हना. लेकिन एकदम से उन्होंने अपना प्यार का इजहार नहीं किया जब तक उन्हें ये श्योर नहीं हो गया कि वो प्योरली जापानीज है. और जब ये कंफर्म हुआ कि शी इज प्योर इन हर रेस, तब वो जापान आए और उन्होंने अपने फादर के परमिशन के साथ ओल्ड जापानीज ट्रेडिशन में शामिल हो गया. वांटेड अमेरिकन सोल्जर टॉप. तो ऐसे ही जो जापानीज पोस्ट पर उनका घर बना हुआ था, वहां हना और सदाओ खड़े हुए थे और सामने जो समुद्र था उसे देख रहे थे. वहां छोटे छोटे आइलैंड्स थे जिनको देखकर सदाओ नॉस्टैल्जिक हो रहा था. और वहां छोटे आइलैंड्स को एज अ मेटाफर यहाँ यूज किया गया. उसके फादर उनके बारे में कहा करते थे कि ये जो है ये हमारा फ्यूचर है. और मतलब ये कि चाहे छोटी चीजें हो, छोटी छोटी चीजें, वो हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करती है. तो वहां खड़े खड़े दे हना एंड सदाओ फाउंड समथिंग कमिंग आउट ऑफ द मिस्ट.
कि धुंध चारों तरफ फैल चुकी थी और मिस्ट में से निकलकर कोई फिगर आ रही थी। अ मैन सीम टू बी ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, उन्होंने देखा कि एक आदमी था जो क्रॉल करता हुआ रेंगता हुआ बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, हालांकि वो बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी अपने पैरों पर सही से खड़ा होकर नहीं आ पाया और थोड़ा सा चलकर आगे जाके गिर गया। He was wounded by and lay motionless on the sand. A gun wound had reopened on the right side of her lower back and was bleeding. और फिर जब सदाओ और हना उसके पास भागकर पहुंचे, उन्होंने देखा और सदाओ ने देखा कि उसको एक लोअर बैक में राइट साइड में गन शॉट का निशान था, वह सारी स्किन ब्लैक हो चुकी थी और जैसे ही उसने वुंड को छेड़ा और पहले उसमें सैंड भरी हुई थी और हाथ लगाते वो सैंड सारी हट गई और वहां से खून निकलने लगा। और खून को रोकने के लिए सदाओ ने वहीं से सी मॉस को उठाया और उस इंजर्ड प्लेस को फिल कर दिया और फिर उन्होंने कोशिश की कि वो उसको उठाएं लेकिन वो उसको होश नहीं आया, वो अनकॉन्शियस था। और फिर उन्होंने उसका चेहरा सीधा करके जब देखा तो उसकी कैप उसके सर से गिरी और कैप गिरते ही पता चला ब्लॉन्ड हेयर थे, येलो हेयर थे और वो एक अमेरिकन था, ये क्लियर हो गया था। और वो जो कैप थी वो उठाकर सदाओ ने पढ़ा, उस पर लिखा था यूएस नेवी। और ये जो इंसान था ये एक अमेरिकन था जो कि एक पाओ POW प्रिजनर ऑफ वॉर था और दूसरे शब्द में कहें तो जापानीज का दुश्मन एनिमी। अब यहाँ डायलेमा स्टार्ट हो जाती है हाना की और सदाओ, बिकॉज सदाओ इज अ डॉक्टर, इज अ सर्जन, तो अब और दूसरी तरफ ही इज अ ट्रू जापानीज एज वेल, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पेट्रियोटिज्म को ऊपर रखे या ह्यूमैनिटी। तो दे शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन इन देयर हाउस, दे वुड बी अरेस्टेड। अब ये डायलेमा थी कि क्या करे वो, कि क्या वो उस अमेरिकन को अपने घर में शेल्टर कर दे, और क्योंकि वो वुंडेड था लेकिन वो एक वाइट मैन था, और अगर नहीं उसको अपने घर ले जाते तो उसको क्या करें, इसका वापस इसको क्या करना चाहिए इस आदमी के साथ। और इफ दे टर्न हिम डाउन एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाउन। तभी हना को याद आया कि अगर हम इसको आर्मी को सौंप देते हैं तो वो तो आर्मी वाले उसको वैसे ही मार डालेंगे। द कपल वॉज इन अ फिक्स, अब वो बड़े परेशान थे। इफ ही वर हेल्दी दे कुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, हाँ अगर वो ठीक ठाक होता तो शायद वो उसे पुलिस को हैंड ओवर करने का भी सोचते। बट ही वॉज वॉन्डेड, ही वॉज इंजर्ड, ही वुड डाई अनलेस ही वॉज ऑपरेटेड। और ये बात सदाओ को समझ में आ गई थी कि अगर इसको ऑपरेट नहीं किया गया तो ये सर्टेनली मर जाए। एट एनी रेट समथिंग वॉज टू बी डन विद हर, उसे उन्हें हर हालत में इसको बचाना था, उसके लिए कुछ करना था। और यहाँ पर हना उस याद करती है उस जनरल के बारे में, जनरल ताकिमा के बारे में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी को भी मारने में पीछे नहीं हटता। तो ये तो उसका दुश्मन था, अगर इसको हैंड ओवर कर दिया जाता है तो जनरल ताकिमा इसको मार ही डालेगा। डायलेमा अभी भी कंटिन्यूड है, इफ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन अवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ वी टर्न्ड हिम ओवर अस एज प्रिजनर वुड सर्टेनली डाई। शेल्टर दिया तो वो फंस जाएंगे, उनको प्रिजनर कर दिया जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन अगर एक प्रिजनर की तरह उनको पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा तब भी वो मर जाएगा। और फिर अगर घर में शेल्टर देंगे तो सर्वेंट्स क्या सोचेंगे, उनको क्या जवाब दिया जाएगा। इफ द हैंड मैन वर अ होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, तो दाऊ कहता है कि अगर ये आदमी बिल्कुल ठीक ठाक होता तो मैं इसे बिना किसी डिफिकल्टी के पुलिस के आर्मी के हैंड ओवर कर देता, लेकिन यहाँ पर ये ठीक नहीं है। और द काइंडेस्ट यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम टू सी, लेट्स कैरी हिम इन टू द हाउस एंड द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी। हना ने कहा कि काइंडेस्ट थिंग हम इसके ऊपर यही कर सकते हैं कि इसको वापस समुद्र में फेंक दें या फिर इसे घर के अंदर ले जाए। द कपल वॉज पेट्रियोटिक टू द कोर एंड ड्यूली कंसिडर्ड अमेरिकन एज देयर एनिमी, बट द ह्यूमन साइड इन देम डिड नॉट अलाउ देम टू टॉस बैक अ वुंडेड मैन इन टू द वाइल्ड रॉकी ओशन। जापानीज थे, ट्रू जापानीज थे, देशभक्त थे, सब कुछ, और वो जानते थे अमेरिकन उनके दुश्मन है, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा यू नो रिलीजन होता है और उसको ऊपर रखते हुए उनके मन ने नहीं माना कि इसे वापस रॉकी ओशंस में फेंक दिया जाए, क्योंकि वहां रॉक्स थी सारे और लहरें उसको वापस उसे चोट लगती अगर वो कहीं भी बहकर जाता। तो उन दोनों ने वहां कोशिश की कि इसको उठाकर अंदर घर में ले जाया जाए। तो क्या वो सचमुच उसको घर में ले जाते हैं सब, और ले जाते हैं तो सर्वेंट का क्या रिएक्शन रहता है, या उसके साथ वो फाइनली क्या करते हैं, दैट विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बट बिफोर लिविंग सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर देम एज मच एज यू कैन। थैंक यू।